words. I conclude. Thank you. Shrimati Sangeeta Azad ji. धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया, यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रजीम और पुरानी टैक्स रजीम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रजीम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रजीम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं, और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की जरूरत है। खासतौर पर मेरे जनपद आजमगढ़ में, जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाए। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जानमाल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके, और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना, जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था, उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए, और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए।
सर हाईवे की बात करूं तो NH-233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए, ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए मेहनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिसे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी लालगढ़ आजमगढ़ गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट अनाज फल सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियां भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको GST से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृत प्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित किए हो सकता है और यह मृत प्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्रीअन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्रीअन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्रीअन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्रीअन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहां के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गांवों को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है, जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इसमें स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं।